गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज क्या सीखते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका चल रहा था? यूज ऑफ इच, आई एम, आर का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका रूल्स क्या होगा। रूल्स में रहेगा क्या, पहले इज, आर, आई एम, उसके बाद क्या आ जाएगा, कर्ता। कर्ता मतलब क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या लिखेंगे, इज एम आर, अनुवाद के हिसाब से क्या लिखेंगे, इज एम आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, ट्रांसलेशन इसका करते हैं। जैसे लिखते हैं, क्या वह जिम्मेदार है, क्या वह जिम्मेदार है। अब देखिए, जब क्या आ जाए, क्या आ जाए तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, सहायक क्रिया से। क्या हम इसको सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा रूल है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्या किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। कर्ता कौन सा वचन है, एक वचन है, तो क्या यहाँ पे आएगा, इज। क्या वह जिम्मेदार, वह क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद इसकी स्पेलिंग इज ही। अब किस में, इसका मतलब जिम्मेदार की स्पेलिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। इज ही रिस्पॉन्सिबल, इज ही रिस्पॉन्सिबल, इज ही रिस्पॉन्सिबल। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम दोषी हो, क्या तुम दोषी हो, क्या तुम दोषी हो। मतलब अब देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्यूरल हो गया है। तुम है, तुम की स्पेलिंग यू, यू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आर। एक वचन के साथ ही, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ क्या लिखेंगे हम, सिर्फ आई एम। आई के साथ क्या लिखेंगे हम, आई एम। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या तुम दोषी हो, तो यू बहुवचन है तो आर हो जाएगा, आर यू गिल्टी, आर यू गिल्टी। गिल्टी माने क्या, दोषी। आर यू गिल्टी, क्या तुम दोषी हो। प्यूरल है तो यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए या। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या मैं तुम्हारा साथी हूं, क्या मैं तुम्हारा साथी हूं, क्या मैं तुम्हारा साथी हूं। मैं आया है तो आई एम, आई एम, आई योर कंपेनियन, कंपेनियन, आई एम आई योर
कंपेनियन। देखिए, क्या मैं तुम्हारा साथी हूँ, अब आई हो गया यहाँ पे, तुम्हारा का हो गया योर, योर माने तुम्हारा, तो आई के साथ एम लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। आई एम आई योर कंपेनियन, आई एम आई योर कंपेनियन, क्या मैं तुम्हारा साथी हूँ, एम आई योर कंपेनियन। देखिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है कि आप रूल्स याद रखेंगे और कर्ता और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग याद रखेंगे, और जितने भी रूल्स हैं वो सब आपको याद ही रखने पड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं? अब देखिए, यहाँ पे नाम आ गया है, नाम क्या है, सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा, उसके बाद जो नाम आया है इज नरेंद्र मोदी, इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आया है तो इज पहले आ जाएगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत के ऑफ इंडिया, देखिए भारत के ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो टोटल क्या हो जाएगा, इज नरेंद्र मोदी इज सॉरी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं? क्या ताजमहल आगरा में है? क्या ताजमहल आगरा में है? अब देखिए, ताजमहल क्या है, एक नाम है, ताजमहल क्या है, नाम है, क्या हो जाएगा, इज, ये कौन सा वचन है, एक वचन है या सिंगुलर बोल सकते हैं, इज ताजमहल, इज ताजमहल इन द आगरा। अब द क्यों लगा है, आर्टिकल्स हो गया ये, इज हमारे रूल्स के हिसाब से, ताजमहल सिंगुलर है तो इज लगेगा, इन माने में होता है, किसी भी स्थान में रहेगा या जहां भी रहेगा वहां पे इन यूज करेंगे, दी जो है आर्टिकल्स है ही आगरा। तो क्या ताजमहल आगरा में है, इज ताजमहल इन द आगरा। देखिए, क्या शीला दुखी है, क्या शीला दुखी है? देखिए, शीला नेम आ गया तो नेम के साथ क्या लगेगा, इज, इज शीला सैड, इज शीला सैड, इज शीला सैड। क्या वे
मैदान में हैं। क्या वे मैदान में हैं? तो क्या हो जाएगा? वे के साथ क्या? दे। बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर आर दे इन दी फील्ड, आर दे इन दी फील्ड, FILD, आर दे इन दी फील्ड। आर दे इन दी फील्ड। क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम उसके साथ हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वी आ गया। क्या हम उसके साथ हैं? तो वी क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो वी का पहले स्पेलिंग क्या रहेगा? वी। हम का वी, इसके साथ क्या लगेगा? आर, ARE, आर वी। उसके साथ विथ हिम, उसके साथ मतलब विथ हिम। ये क्या हो गया? चाहे इसको ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे अदर वर्ड बोलिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम आएगा तो वी, वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। क्या किस 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 साथ आर लगता है वो देख लीजिए। यू वी दे, यू वी दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा आर। यू वी दे के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? आर का यूज करेंगे। एक और ट्रांसलेशन देख लीजिए। क्या यह लकड़ी की कुर्सी है? क्या यह लकड़ी की कुर्सी है? अब देखिए यहाँ पे लकड़ी आ गया। लकड़ी मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। और यह हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या? इज। तो क्या हो जाएगा? इज इट ए वुडेन चेयर। इज इट ए वुडेन चेयर। देखिए इसको समझिए पहले। जब भी हमें कोई नॉन लिविंग थिंग आएगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इट के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या नहीं रहता, क्या नहीं रहता, तब क्या हो जाता? ये चेंज हो जाएगा। यह लकड़ी की कुर्सी है, तब क्या हो जाएगा? इट इज ए वुडेन चेयर। इट इज ए वुडेन चेयर। और यहां पे क्या लग गया? तो क्या हो गया? ये पलट गया। तब क्या हो गया? इज इट ए वुडेन चेयर। इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग के साथ लगता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रन्ना क्लासेस।